सुशांत केस में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम सुशांत की विस्तृत रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स को सौंपेगी। ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े की अगुवाई में 3 मॉड्यूल का हुआ पर्दाफाश। मुंबई से ड्रग्स पेडलर राहिल विश्राम समेत 5 लोग गिरफ्तार। राहिल पर बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई का आरोप है। एनसीबी ने 4 करोड़ रुपए कीमत के ड्रग्स भी बरामद। पेडलर कर्मजीत सिंह ने एनसीबी के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की। कर्मजीत ने एनसीबी पर जबरन बयान दर्ज करवाने का आरोप लगाया। जमानत की मांग की है। चीन ने पहली बार स्वीकारा गलवान झड़प में चीनी सैनिकों की हुई मौत। चीन ने अब तक गलवान में चीनी सैनिकों की मौत की बात नहीं कबूली थी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ट्वीट करके कहा गलवान घाटी में चीन की सेना को नुकसान पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में कारेवा इलाके में 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। आतंकियों ने विस्फोटक को पानी की टंकी में छिपा कर रखा था। आतंकी पुलवामा जैसे आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। मोर्टार दागे जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने उत्तरी कमांड के जीओसी और सेना के ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। किसान बिल के खिलाफ आज किसान संसद का घेराव करेंगे। हरियाणा पंजाब यूपी समेत कई जगह पर किसान सड़क पर बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल के विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। इस्तीफे को राष्ट्रपति ने किया मंजूर। कृषि मंत्री को मिला अतिरिक्त प्रभार। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर किया गया हमला। लिखा इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सामना में लिखा कि कुछ राज्य केंद्र को अधिक भुगतान करते हैं जबकि अन्य राज्य दिल्ली में हाथ में कटोरा लेकर रहते हैं। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी एक और तोहफा देंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 516 करोड़ रुपए की लागत से बने कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन करेंगे। भारत में अब तक कोरोना के 52,14,678 के सामने आए। इनमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 4,432 नए मरीज मिले और 38 मरीजों की मौत हो गई। भारत में अब मैगलेव ट्रेन चलाने की तैयारी है। ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने पीपीपी योजना बनाई है। मैगलेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति से हवा में पटरी से ऊपर उठाकर चलती है। मैगलेव दो शब्द मैग्नेटिक लेविटेशन से मिलकर बना है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली 871 अंक के साथ बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर बरकरार हैं। वहीं रोहित शर्मा 855 अंक के साथ दूसरे नंबर पर हैं।